दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों जहां एक ओर कुछ लड़के लड़कियों की सुंदरता और उनके परफेक्ट फिगर को देखकर उनसे प्यार करने लगते हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ लड़के लड़कियों से कुछ पाने के लिए उनसे निकटता बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ऐसे भी लड़कों की कोई कमी नहीं है जो लड़कियों में अच्छाइयाँ ढूंढते हैं जो जीवन के लिए सबसे जरूरी भी होती हैं। चलो बताते हैं दोस्तों, वीडियो में जानकारी पाकर आप सोच विचार करें, उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर तरह की अच्छी जानकारियों वाली वीडियो बिना किसी रुकावट के प्रतिदिन प्राप्त होती रहें। नंबर वन, दोस्तों जो लड़के वास्तव में समझदार होते हैं और दूरदृष्टि रखते हैं, जो अपने भविष्य को लेकर काफ़ी सीरियस भी रहते हैं, वे एक ऐसी लड़की को अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं या उससे शादी करना चाहते हैं जो लड़की आत्मनिर्भर हो, जिसका चाल चलन अच्छा हो, वह अपने खर्चे खुद उठा सकती हो, जिसमें अच्छे बुरे की समझ हो। इसके अलावा लड़की समझदार भी होनी चाहिए। सेकंड नंबर, अच्छे और समझदार लड़के एक ऐसी लड़की से शादी करने की इच्छा रखते हैं या उसे गर्लफ्रेंड बनाने की इच्छा रखते हैं जो लड़की प्यार के प्रति वफादार ईमानदार होती है, उनसे पहले उसने किसी से प्यार ना किया हो। थर्ड नंबर, ऐसी लड़कियां जो अपने आप को अच्छी तरह से मेंटेन करके रखती हैं लेकिन मेकअप की दुकान बिल्कुल भी नहीं बनती, ऐसी लड़कियां आजकल के लड़कों की पहली पसंद बन चुकी हैं। और जो लड़कियां अपने सजने संवरने पर घंटों का समय बर्बाद कर देती हैं, हजारों रुपए यूं ही उड़ा देती हैं, ऐसी लड़कियां लड़कों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। फोर्थ नंबर, ऐसी लड़कियां जो अपने बॉयफ्रेंड या लाइफ पार्टनर को पूरी आज़ादी देती हैं, स्पेस भी देती हैं, जो लड़कियां उनका आदर सम्मान करना जानती हैं, रिश्ते के प्रति हमेशा जागरूक रहती हैं, रिश्ते को निभाने के लिए किसी भी विषम परिस्थिति से निपटने के लिए हमेशा तैयार रहती हैं और अपने रिश्ते की मर्यादा को कभी नहीं भूलती, अच्छे से समझती हैं, इसके साथ साथ अपने रिश्ते के प्रति ईमानदार और वफादार भी रहती हैं। सच में एक पत्नी या गर्लफ्रेंड में अच्छे लड़के यही अच्छाइयाँ खोजते हैं। यदि वास्तव में किसी लड़की में ऐसी अच्छाइयाँ होती हैं तो वे एक अच्छी गर्लफ्रेंड या अच्छी लाइफ पार्टनर साबित होती हैं। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।